मैं अस्पताल में उनको देखने जाता था और सचमुच उस पीड़ा से वो गुजरे हैं, उन बीमारियों का सामना किया। कई बार डॉक्टर भी मुझे कहा करते थे कि इस उम्र में इतनी बड़ी बीमारी जब हो जाए व्यक्ति को तो दवाई भी काम करती है, दुआ भी काम करती है, लेकिन ये श्री माधवपुर जो शेखावत साहब की पहचान से आज माधवपुर जाना जाता है, आप लोगों के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में आप खड़े हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पिछले 40-45 सालों में ना सिर्फ वोट दिया है, समर्थन दिया है, लेकिन दिल से दुआ दी है जो अस्पताल से जूझ कर आज हमारे बीच में शेखावत साहब खड़े हैं। 1980 के बाद कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया और कांग्रेस पार्टी को जिन नेताओं ने सींच कर आज यहां तक वो लेकर आए हैं, चाहे वो आदरणीय नारायण सिंह जी हो, चाहे आदरणीय हेमराम सिंह जी, हेमराम चौधरी साहब हो, दीपेंद्र सिंह जी हो, इन लोगों ने अच्छे बुरे समय में कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया है। आज देश में भाजपा का राज है। 9.5 साल से भाजपा का केंद्र में सरकार का काम हो आप लोगों ने देखा है। ये बीजेपी केंद्र में सत्ता में फेल हो रही है और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो रही है।